तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इशारों में कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। दरअसल वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए हरे रंग का पटका पहन कर आए थे, जिस पर जय श्री कृष्णा लिखा हुआ था। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहला सत्र का पहला दिन है, शीतकालीन सत्र का, और ये हरा पटका जय श्री कृष्णा लिखकर किस लिए? त्रेता के बाद द्वापर आता है, भगवान राम के बाद कृष्ण आते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब क्या निकाले हम? इसका मतलब आप जो चाहे से निकाल सकते हैं। बहरहाल इतना ज़रूर है कि भगवान राम की कृष्ण जून भूमि पर जब जाते हैं तो आधे हिस्से पर जो कब्जा है वो तकलीफ देता है सभी लोग। मथुरा में तकलीफ देता है आपको, ये कहना चाहिए? मुझे नहीं, जो जाता है वो देख करके, उस चित्र को देख करके, उस बिल्डिंग को देख करके उसको तकलीफ होती है। लेकिन हरनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया राम मंदिर को लेकर। कल मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की मीटिंग थी और पुनर्विचार याचिका दायर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये एक तरीके से जो मुस्लिम लीग की लाइन थी उसी लाइन के ये पर्सनल लॉ बोर्ड है, और देश की एकता के साथ, देश की स्वतंत्रता के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ, देश की इसको खंडित करने का एक षड्यंत्र है। और ये जो हिंदुस्तान की खिलाफ ताकतें हैं उनका खेल खेल रहे हैं। एक तरीके से पाकिस्तान जो चाह रहा है वही ये खेल कर रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार को कठोरता से पेश। कौन है हिंदुस्तान के खिलाफ ये ताकतें? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सर्वसम्मत फैसले से, जिसका 130 करोड़ लोगों ने स्वागत किया, और जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा उसे हम मानेंगे, आज वो उससे विमत जो व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैंने कहा कि वो देश विरोधी ताकतें हैं और देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।